नमस्कार, मैं प्रिंस बोला आपका स्वागत करता हूं प्रातः दर्पण न्यूज नेटवर्क में। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। हैदराबाद में देश की बेटी डॉक्टर प्रियंका रेड्डी के साथ हुई भीभत्स घटना को लेकर वरिष्ठ कांग्रेस जनसंघर्ष समिति ने अपने पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत धाकरान चौराहा से एमजी रोड होते हुए कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार पर पहुंचकर इस भीभत्स घटना के दोषी दरिंदे नवीन केशावलू शिवा और मोहम्मद पाशा के पुतले को फांसी पर चढ़ा दिया। उसके पश्चात पुतले की अर्थी में आग लगा दी। जोरदार तरीके से नारेबाजी कर देश की बेटियों के सम्मान में कांग्रेस जनसंघर्ष समिति के नारे लगाकर बेटियों की सुरक्षा उनके आत्मसम्मान की बात की। इस अवसर पर समिति के संरक्षक हाजी जमीलुद्दीन कुरैशी ने कहा कि भाजपा का बेटी बचाओ का नारा झूठा साबित हो रहा है। कुलदीप सेंगर जैसे लोगों को बचाकर भाजपा ने देश के अंदर एक गलत संदेश दे दिया है। साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मयानंद स्वामी द्वारा शोषित लड़की को परिवार सहित जेल का रास्ता दिखा दिया गया, इसलिए भाजपा का बेटी बचाओ नारा ही झूठ का पुलिंदा है।